अब देखिए हम लोगों का क्या बात किया है, ये क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, कितना फंक्शन दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर साइन कितना 1/x, और इफ क्या x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये दिया हुआ है 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है क्या, ये फंक्शन पॉइंट हमारा क्या है 0 है, पॉइंट हमारा क्या है 0 है। अब कंफ्यूजन का हो रहा है सोच करके, अरे यार यहां पर लेस देन इक्वल टू तो दिया हुआ ही नहीं है, हर एक बार लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ रहता था साइन, ये है इक्वल टू है, इसी में इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है नहीं, क्या करेंगे। देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन में हम लोग पता कर ले कि पॉइंट जो है उसमें नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, मीन्स देखिए यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्या एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या नोट करके लिखना है, क्या नोट करके कि आप कभी भी क्या कभी भी अगर फंक्शन में नॉट इक्वल टू दिया हुआ रहे, क्या चीज कभी भी फंक्शन में नॉट इक्वल टू दिया हुआ रहे तो हम लोग दो को ही फाइंड करते हैं, ठीक है, दो को ही फाइंड करते हैं हम लोग, पढ़े क्या तीन LHL RHL और क्या इक्वल टू, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू दिया हुआ है ना तो आप लोग क्या करिए कि एक RHL को निकालिए और एक इक्वल टू को निकालिए सीधा सीधी वैल्यू पुट करके, अगर दोनों इक्वल है तो क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बोल देंगे, अगर ये नहीं तो अगर क्या हम मेरा मन क्या नहीं हमको LHL निकालना है और क्या हमारा इक्वल टू निकालना है, तो ये दोनों को भी अगर इक्वल आ जाए तो हमारा क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बोल देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है कि अगर क्या हमारा नॉट इक्वल टू दिया हुआ रह जाए किसी भी फंक्शन में तो हम लोग दो ही निकालेंगे, चाहे तो LHL निकालेंगे चाहे RHL निकालेंगे और एक जहां पर खड़ा है वो इक्वल वाला, ठीक है, तो दो ही चीज हम लोग निकालेंगे जब नॉट इक्वल टू आएगा तब, ठीक है, मींस क्या अगर यहां पर नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू आ गया तो अगर नॉट इक्वल टू मतलब क्या, ये क्या, अगर ये क्या जीरो है, नॉट इक्वल टू बोल दिया कि ये जीरो के बराबर नहीं, मींस क्या इधर भी हो सकता है और क्या इधर भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों में से इधर को कहते थे RHL, इधर को कहते थे क्या LHL, तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, क्या एक ले सकते हैं, तो आराम से एक ही लीजिए और सॉल्व करिए, और इसके लिए फंक्शन क्या होगा, यही होगा, तो क्या करेंगे, कभी भी अगर नॉट इक्वल टू दिया हुआ रहेंगे तो LHL लेंगे RHL लेंगे और नॉट इक्वल टू दिया हुआ है उसी के सामने वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, तो LHL और RHL में से कितना को चूज करना, एक को चूज करना और नॉट इक्वल टू वाला ही उसके लिए फंक्शन होगा, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स था, बिल्कुल याद करना है, और ये ही इसी कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी कारण इस क्वेश्चन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि नॉट इक्वल टू आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या अभी बात की, नॉट इक्वल टू दिया रहा है तो दो चीज निकालिए, चाहे तो RHL निकालिए या इक्वल टू, चाहे LHL या इक्वल टू, तो हम लोग बात किए कि नहीं भैया हम लोग निकालेंगे क्या RHL निकालेंगे, हम लोगों को क्या प्लस ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो ये क्या लिख दे, लिमिट कितना RHL के लिए एक्सटेंड टू क्या जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है जीरो, तो क्या लिखते थे जीरो प्लस एफएक्स, वो रिप्रेजेंटेशन इसी को आगे जब बढ़ाते तो ये कितना एफएक्स, इसी को जब ऐसे लिखते थे तो कितना लिमिट जीरो प्लस एच, ये क्या है RHL, RHL मतलब क्या बड़ा, अब क्या नॉट इक्वल टू, तो कौन सा फंक्शन पुट होगा, मैंने बताया कि अगर RHL हम लोगों ने चूज किया तो वही पुट होगा नॉट इक्वल टू, अगर LHL भी चूज करता तो उसका फंक्शन कौन सा चूज होता, यही चूज होता, ठीक है, लेकिन अगर इक्वल टू की बात करें तो यहां पर दिया कि x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका कौन सा फंक्शन चूज होगा, ये फंक्शन चूज होगा, ठीक है, इस बात की ध्यान रखनी है, तो fx और ये हमारा कितना आ गया x स्क्वायर साइन कितना 1/x, ठीक है, ये हम क्या फंक्शन लिख दिए,
ठीक है, नॉट इक्वल टू में दो निकालना, चाहे आर एच एल चाहे क्या एल एच एल, और जो सामने वाला फंक्शन है वही आर एच एल का होगा वही एल एच एल का होगा, तो इसी कारण हम लोगों ने लिख दिया। अब इसे देखिए क्या करेंगे, लिमिट जीरो प्लस एच है तो इसे क्या चीज हम लोग सीधे सीधे एच लिख देते हैं, और ये क्या हमारा फंक्शन है तो ये कितना है साइन कितना वन बाई कितना एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करते थे, एच का वैल्यू क्या पुट करते थे तो, और यहाँ पे कितना एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे एच का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना एच स्क्वायर और साइन कितना वन बाई एच, ठीक है साइन कितना वन बाई एच, यही ना हमारा आ गया। अब देखिए एक चीज हमको समझना होगा, अच्छा साइन आ गया, क्या आ गया साइन आ गया, तो कभी भी साइन आ जाए और कंटिन्यूअस बोले तो हम लोग जो बोले थे कि क्लास इलेवेंथ वाला है तो सोचो उस चीज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, क्या उस चीज में कन्वर्ट हो सकता है ताकि पूरा का वैल्यू वन आ जाए और फिर जो है वो टू और थ्री उधर कॉन्स्टेंट रह गया, ठीक है। तो कभी भी अगर साइन आ जाए कॉस आ जाए तो हम लोग को क्या सोचना है, वो क्लास इलेवेंथ वाला सोचना है कि क्या करे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच आ जाए या लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन कॉस एच बाई क्या एच आ जाए, जो एंगल रहेगा वही नीचे ताकि उसका वैल्यू वन हो जाएगा, इजी पूरा कर देगा, ठीक है। तो वही सोचना है जब साइन या कॉस आएगा तो, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या आ गया साइन आ गया, क्या उसको उस टर्म में लिख सकते कि जो यहाँ है वही नीचे रहे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए इसको अगर आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट क्या एच टेंस टू व्हाट जीरो, अब ये क्या एच स्क्वायर है, क्या है हमारा एच स्क्वायर, तो क्या लिखे एच इंटू एच लिख सकते हैं, हाँ अगर इस एच को नीचे लाना चाहे तो एच बाई वन बाई एच लिखे कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए कि एच स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी कारण यहां पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया एच, कितना एच ऊपर रहने दिए, अब ये कितना साइन वन बाई एच तो था, अब क्या कि जो ये एच एक बचा है उसको हम लोग क्या किए नीचे लाए तो कितना हो गया वन बाई एच, कितना हो गया वन बाई एच, हम लोग क्या करें कि वैल्यू जो भी ऊपर साइन का एंगल है वही नीचे आ जाए ताकि क्या हो जाए वैल्यू कितना आ जाए वन आ जाए, इसी कारण हम लोगों ने ऐसा किया, क्या एच स्क्वायर दिया, एच स्क्वायर का एच इंटू एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एक एच को क्या नीचे ले आए तो उसको वन बाई एच एच वाई वन बाई एच लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो एंगल है वही क्या है यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एच लिमिट कितना एच टेंस टू जीरो साइन कितना वन बाई एच बाई कितना वन बाई एच, यही ना। अब देखिए दोनों का क्या है ये सेम है, तो सेम के लिए हम लोग क्या लिखते थे वैल्यू वन, जो भी एंगल रहे नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू क्या था वन, पीछे आप वीडियो को फिर से करके देख सकते हैं कि क्या आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा वन। अब कितना बचा ये एच, एच क्या था बहुत ही छोटा डिस्टेंस चला था, क्या चला था बहुत ही छोटा डिस्टेंस चला था, कि अगर ये पॉइंट हमारा जीरो दिया हुआ है तो एच जो डिस्टेंस चले आर एच एल में वो बहुत ही छोटा चले, माइन्यूट डिस्टेंस चले, तो एच लगभग जो है वो टेंस टू क्या है जीरो है, तो इस कारण क्या आ गया एच का भी वैल्यू क्या जीरो, तो ये पूरा का वैल्यू कितना आ गया जीरो, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को बताते हैं कि हमारा क्या नॉट इक्वालिटी दिया हुआ था तो कोई भी आर एच एल और एल एच एल निकालना है और वही उसका क्या फंक्शन चूज कर लेना है, हम लोग आर एच एल निकाले आर एच एल का रिप्रेजेंटेशन लिख दिए, फंक्शन चूज किए जो कि क्या नॉट इक्वल टू के सामने वाला है, अब क्या जो भी होगा एक्स का वैल्यू हो क्या एक्स एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स है तो वहां पर क्या होगा पुट होगा, तो पुट होने के बाद अब क्या करे साइन है तो क्या जो एंगल है वही क्या नीचे आना चाहिए, कोशिश करना है ताकि वैल्यू कितना आ जाए वन ना आ जाए, ठीक है। लिमिट का ये क्या है प्रॉपर्टी है एक साइन को लेकर के, ठीक है, तो वन ना आ जाए तो वन ना आ गया हमारा क्या कि एक एच को नीचे कर दे तो वो वन बाई एच साइन वन बाई एच वाई वन बाई एच जो एंगल है वही नीचे है, ठीक है ये बात हो गई। तो बचा कितना हमारा एच बचा, ठीक है कितना बचा एच बचा, तो एच क्या था बहुत माइन्यूट डिस्टेंस था, बहुत कम डिस्टेंस चले थे, तो इसी कारण एच भी क्या हो गया जीरो, मीन्स हमारा आर एच एल कितना आ गया जीरो, समझ में आया हाँ, ठीक है। अब हमारा क्या एल एच एल नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, क्यों निकाले टाइम व्यस्त नहीं करना है, टाइम इज बहुत एग्जाम में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग आर एच एल की तो बात कर लिए, अब बात हम लोग करते हैं इक्वल टू की, क्योंकि एल एच एल तो फाइंड ही नहीं करना है, दोनों में से एक फाइंड करना था, एल एच एल चूज करिए या आर एच एल चूज करिए, अब हम लोग क्या इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू के लिए क्या लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू कितना, अब देखिए एक्स टेंस टू कितना जीरो, जहां पे खड़ा है, खड़ा कहां पे है जीरो पे खड़ा है, ठीक है ये कितना एफ एक्स,
अब देखिए लिमिट कितना x टेंस टू कितना जीरो, फंक्शन क्या है इसका सामने वाला कितना एफ एक्स कितना है जीरो है, तो ये क्या जीरो हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या हम लोगों ने इससे पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई क्या कॉन्स्टेंट दिया हो रहा है, क्या दिया हो रहा है हमारा कॉन्स्टेंट दिया हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट दिया हो रहता है तो वही उसका क्या हो जाता है कंटिन्यूअस हो जाता है, तो इसका क्या हो गया जीरो हो गया क्या कंटिन्यूअस हो गया, तो इसका भी क्या हो गया जीरो कंटिन्यूअस हो गया। आर एच एल हम लोगों ने कितना निकाला जीरो, इक्वल टू हमारा हम लोगों ने कितना निकाला जीरो, तो अगर दो भी फाइंड कर लिए अगर नॉट इक्वल टू दिया हुआ तो क्या कहेंगे कंटिन्यूअस कहेंगे, अगर दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में एकदम दिमाग में डाल लिया जाए कि अगर दो वैल्यू क्या है, अगर क्या हमारा नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है नॉट इक्वल टू दिया हुआ, अगर हम लोग एल एच एल या आर एच एल में से कोई भी चूज करेंगे पहला काम, अगर चूज किए फिर क्या इक्वल टू निकाले तो दो चीज हमारा निकला, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कंटिन्यूअस कहेंगे, जब नॉट इक्वल टू दिया हुआ रहे, लेकिन अगर सिर्फ कंटिन्यूअस की बात करें तो तीनों को हम लोगों को इक्वल दिखाना ही होगा। ठीक है, तो इस कारण क्या बोल देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू व्हाट जीरो एफ एक्स, तो ये दोनों क्या इक्वल है, मीन्स क्या आर एच एल और क्या यहाँ पे इक्वल है, कैसे इसका भी वैल्यू जीरो उसका भी वैल्यू जीरो, तो क्या बोलेंगे हेंस इट इज कंटिन्यूअस, क्या ये कंटिन्यूअस। और क्वेश्चन पूछा था बताइए कौन सा पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या बोलेंगे देर इज नो पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्या देर इज क्या लिखेंगे एग्जाम में देर इज नो पॉइंट वेयर फंक्शन इज व्हाट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये हम लोगों को लिखना है। अब देखिए उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर साइन का क्वेश्चन है वो आप लोग को बनाना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग का आता है 26 नंबर क्वेश्चन, कितना 26 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करें कि इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो एक तो ये हो गया और दूसरा जो क्वेश्चन है वो 26 नंबर क्वेश्चन है, कितना 26 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद एकदम बिल्कुल कर लीजिए कि 26 नंबर क्वेश्चन या 24 नंबर क्वेश्चन में से आपको तो कभी ना कभी तो इसे मिलना ही मिलना है, और कितना नंबर में कम मिलना है चार मार्क्स का मिलना है, कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस कारण कभी तो मिलेगा ही। तो अगर अब हम किसकी बात करते हैं 26 नंबर की। ठीक है, बोला कि बताइए क्या के का वैल्यू, बताइए क्या का के का वैल्यू, हमारा क्या फंक्शन दे दिया है क्या के कॉस एक्स बाई कितना पाई माइनस कितना 2x और ये कितना है 3 है, जब क्या इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और कितना इफ कितना x इज इक्वल टू पाई बाई कितना 2। ठीक है, अब देखिए एट क्या चीज पाई बाई 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है एट पाई बाई 2 की बात करते हैं, हमारा क्या फंक्शन दिया हुआ है, ठीक फंक्शन दिया हुआ है हमारा। अब ऊपर वाला देखिए उसका लाइन पढ़िए तो क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसा के का वैल्यू बताइए जहां पे क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब हमारा क्या चीज गिवेन क्या दिया हुआ है हमारा कि क्या चीज फंक्शन इज व्हाट कंटिन्यूअस, क्या दिया हुआ है फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है भैया। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, पूछा क्या हमसे के का वैल्यू, ठीक है वैल्यू ऑफ के, क्या पूछा है वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब समझ जाना है कि तीनों का वैल्यू क्या इक्वल है, एल एच एल आर एच एल और क्या चीज जहां पर कहा है तीनों का वैल्यू क्या इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। अब देखिए फिर से केस आए क्या चीज नॉट इक्वल टू का, क्या चीज का नॉट इक्वल टू का, तो मैंने अब भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर नॉट इक्वल टू होगा तो हम लोग क्या आर एच एल या एल एच एल दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या इक्वल टू, अगर दोनों अगर दो ही हमको फाइंड करना है, अगर दोनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे कंटिन्यूअस कहेंगे, और क्या चीज अन्यथा इसे कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग तीन फाइंड करना ही नहीं है तो सिंपल बात याद रखना है कि अच्छा एक तो फाइंड करना है हम लोग, अगर आर एच एल एल एच एल में से आर एच एल सेलेक्ट किया तो आर एच एल फाइंड करना है, इक्वल टू फाइंड करना है, दोनों इक्वल आ जाए तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है तो दोनों इक्वल होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या फोर आर एच एल के लिए, ठीक है हमको एक ही निकालना है, एल एच एल तो निकालना नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये कितना लिमिट कितना एक्स टेंस टू
ये कितना दिया हुआ है, पाई बाई टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पाई बाई टू, और क्या है आर एच एल है, तो हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ था, ए इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा पाई बाई टू, ठीक है। तो अब ये क्या पाई बाई टू आर एच एल है तो क्या प्लस, और ये कितना एफ एक्स। आगे अगर बात करें तो लिमिट कितना एक्स टेंस टू कितना पाई बाई टू प्लस कितना एच, और ये कितना एफ एक्स। अगर इसका आगे बात करें तो क्या लिमिट एक्स टेंस टू वन पाई बाई टू प्लस कितना एच, ये क्या है फंक्शन एफ एक्स, क्या है आर एच एल, आर एच एल मीन्स क्या नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या एफ एक्स होगा, इसका फंक्शन होगा किसका आर एच एल का। तो क्या लिख दे के कॉस एक्स बाई कितना पाई माइनस टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोगों ने फंक्शन लिख दिया। अब क्या करते थे हम लोग, x का वैल्यू पुट करते थे, ठीक है, x का वैल्यू पुट करते थे। तो लिमिट कितना, लिमिट कितना h टेंस टू जीरो, और x का वैल्यू पुट करेंगे तो k cos कितना पाई बाई टू प्लस कितना h है, पाई बाई टू कितना है प्लस h है, बाई देखिए नीचे कितना है पाई माइनस टू इंटू कितना पाई बाई टू प्लस कितना h है, यही ना है, ठीक है। सिर्फ क्या किया हम लोग, x के जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए इसे हम लोग खोलते हैं, क्या से इसे खोलते हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो कितना आ गया k। अब देखिए cos क्या है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है cos 90 प्लस थीटा, तो अच्छा cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब क्या से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब किसका, अगर साइन cosec का है क्या cos है, तो पहला बात आ गया कि इसका साइन क्या आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। अब चेक करना है कि ये वर्टिकल लाइन पर है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर, वर्टिकल लाइन मतलब क्या 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो है कि किस लाइन पे है 90 डिग्री, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे क्या चेंज होता है, क्या साइन कॉस में, कॉस किस में साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में, कॉट किस में टैन में, सेक किस में कॉसेक में, और कॉसेक किस में सेक में, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री का हल्का सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब क्या बोला है कॉस 90 प्लस थीटा, तो बात की है कि एक सेकंड क्वाड्रेंट किसका, अगर साइन का अगर कॉस का अगर नहीं, तो पहला तो बात हुआ साइन हम लोग का नेगेटिव होगा, ठीक है। अब कॉस में किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस साइन एच आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, माइनस साइन क्या आ जाएगा एच आ गया। ये क्या था निगेटिव किसके लिए, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का निगेटिव होता है। अब कॉस किस में चेंज करता है साइन में, तो ये कॉस पाई बाई टू प्लस एच कितना होता है, पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो वही थीटा की जगह पे एच था तो एच लेके। अब नीचे ब्रेक करें तो पाई बाई टू माइनस यहाँ पे था पाई माइनस कितना टू इंटू कितना पाई बाई टू, टू इंटू कितना पाई बाई टू, और माइनस कितना टू एच, ये ना होगा। अब देखिए ये टू टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या होगा कैंसिल हो गया, अच्छा। और ये देखिए कैंसिल हो गया तो पाई माइनस पाई, तो ये दोनों भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग कहां पे सॉल्व करते हैं इसे, यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्या आ गया लिमिट कितना एच टेंस टू कितना जीरो, ऊपर में कितना है माइनस के साइन कितना एच, बाई नीचे में देखो ये पाई माइनस पाई तो चला गया, पाई माइनस पाई तो चला गया, बचा कि सिर्फ कितना नीचे में माइनस टू एच, कितना बचा माइनस टू एच, तो ये माइनस माइनस तो चला गया, अब क्या बचा ये, अच्छा। तो अब हम लोग के क्या है कांस्टेंट, के को हम लोग क्या बाहर निकाल लेते हैं, के बाई टू को हम लोग क्या बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो ये कितना गया साइन एच बाई एच, अरे तेरी की। अब भी हम लोगों ने पिछला दो क्वेश्चन से यही बात कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ का लिमिट का, कि साइन एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच होगा तो उसका वैल्यू वन होगा, मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा वन, मतलब कि क्या चीज हमारा कितना आ गया, मतलब हमारा आर एच एल कितना आ गया के बाई टू। फिर से बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो कुछ नहीं हमारा नॉट इक्वल टू है तो आर एच एल निकालना है, एल एच एल निकालना है, हम लोग आर एच एल निकल के चले, ठीक है। पॉइंट कितना है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस होगा, अब क्या करेंगे पाई बाई टू प्लस एच होगा, ठीक है, आर एच एल है तो फंक्शन क्या पुट करना है, क्यों जो नॉट इक्वल टू में है वही आर एच एल में पुट होगा, या एल एच एल लेते तो उसमें भी वही पुट होगा, तो ठीक है। तो आर एच एल में ये फंक्शन जो लिए उसका वो हम लोगों ने क्या किया पुट किया, तो हम लोगों ने ये पुट कर दिया। अब क्या करना है कि जो भी x का वैल्यू है वो क्या x की जगह पे लिख देना है, और क्या h टेंस टू जीरो, तो हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब कितना cos पाई बाई टू प्लस h है, तो हम लोग क्या जानते हैं माइनस साइन h होता है, ठीक है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन, cos किस में साइन में चेंज किया। अब नीचे जब एक्सटेंड किया तो पाई पाई चला गया, बचा कितना माइनस टू एच बचा, तो माइनस माइनस क्या कैंसिल आउट, ऊपर में क्या आया के
के साइन एच आया, ठीक है, माइनस के साइन एच, नीचे में कितना है माइनस टू एच आया, माइनस माइनस को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, के बाई टू क्या है कॉन्स्टेंट, इसको क्या निकालेंगे बाहर निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच, इसका वैल्यू कितना वन, मतलब क्या आर एच एल का वैल्यू कितना के बाई टू, ठीक है, हमारा आर एच एल का वैल्यू निकलेगा के बाई टू, और क्या नॉट इक्वल टू, तो एल एच एल हम लोग को नहीं नहीं निकालना है, सिर्फ क्या होगा हम लोग का इक्वल टू निकालना है, ठीक है, तो हम लोग को याद करना है कि आर एच एल का वैल्यू कितना है के बाई टू। अब हम लोग इक्वल टू की बात करते हैं, केस टू, दो ही केस पर बात करना है, इक्वल टू के लिए क्या लिखे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या, जहां पर खड़ा है, कहां पर खड़ा है ये पाई बाई टू पे खड़ा है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे खड़ा है, ठीक है, और ये क्या लिखते थे एफ एक्स लिखते थे, अब देखिए लिमिट कितना आ गया एक्स टेंस टू कितना पाई बाई टू, और फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन हमारा कितना इक्वल टू के लिए थ्री, तो यहां पे क्या लिखेंगे थ्री, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते थे, इसका वैल्यू पुट करते थे, अगर एक्स यहां पर होता तो, एक्स है नहीं है क्या है कॉन्स्टेंट है, तो क्या बताए थे अगर कॉन्स्टेंट है तो सीधे उसको लिख दो वही उसका आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो ये अगर कॉन्स्टेंट है एक्स नहीं है तो सीधा सीधे इसका वैल्यू कितना आ गया तीन आ गया, कितना आ गया तीन आ गया, क्या बोला है हमारा क्वेश्चन कि ये क्या है कंटिन्यूअस है, फिर से हम लोग आर एच एल कितना आ गया के वाई टू आ गया, और अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या जहां पर खड़ा है उसका वैल्यू कितना दिया है हमारा तीन दिया हुआ है, ठीक है, और क्या बोला है फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, क्या बोला है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या बोला है गिवेन, हम लोगों ने लिखा था फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस देन क्या लिखे कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स, ये ना लिखेंगे कि ये जो आर एच एल है और जहां पे खड़ा है वो दोनों का वैल्यू क्या इक्वल होना चाहिए क्या कंटिन्यूस के लिए, जब क्या नॉट इक्वल टू का केस हो, ये ना लिखेंगे, ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने लिखा, कैसे लिखा फिर से लिखते हैं कि क्या लिमिट कितना लिखा एक्स टेंस टू कितना पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू व्हाट पाई बाई टू एफ एक्स, ये हमारा क्या है गिवेन है, क्या हुआ दिया हुआ था कि क्या है कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या इक्वल क्या है दिया हुआ है, और क्या पूछा है के का वैल्यू पूछा, अच्छा ये क्या हमारा आर एच एल है, आर एच एल का वैल्यू कितना आया था के वाई टू आया था भैया, ठीक है, और इक्वल टू का वैल्यू कितना आया था थ्री आया था, क्वेश्चन में दिया था ये क्या कंटिन्यूअस मीन्स क्या दोनों इक्वल है, पूछा था क्या के का वैल्यू, के का वैल्यू कितना जाएगा उधर जाएगा तो के इज इक्वल टू टू इंटू थ्री मीन्स कितना सिक्स, तो इस तरीका से हम लोग फाइंड करते हैं कि के का वैल्यू कितना आ गया सिक्स आ गया, जबकि क्या कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा चार नंबर का, बिल्कुल कंफर्म धरिए 90% क्वेश्चन क्या यहीं से पूछेगा कि बताइए ये कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है, अगर नॉट इक्वालिटी दिया है तो दो केस में सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर अगर ये नॉट इक्वल टू नहीं है तो क्या तीन केस में सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए, ठीक है, या के फाइंड करने के लिए, तो इस तरीका से इस तरीका का ये सब क्वेश्चन को काउंटर करते हैं, ठीक। अब देखिए उसके जितने भी नीचे क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या 27, 28 एंड 29, इट इज सो इजी क्वेश्चन, आप लोग क्या इस ये सब क्वेश्चन को बनाइएगा, एलएचएल आरएचएल सिर्फ वही फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या 27 दिया हुआ है, तो क्या एक्स इज लेस देन टू और क्या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, एक्स इज लेस देन टू दिया हुआ है मतलब क्या एलएचएल दिया हुआ है, एलएचएल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा के एक्स, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या दिया हुआ है आरएचएल और इक्वल टू दिया हुआ, तो उसके लिए क्या होगा फंक्शन थ्री, ठीक है। अब क्या बोला है कि क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है, तो तीनों का वैल्यू कितना होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा तो क्या चीज इक्वल धरेंगे और के कामों का वैल्यू निकल जाएगा, वैसे उसके नीचे वाला दो क्वेश्चन और है तो वैसे ही उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं होगा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे आप लोग कॉमेंट में बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, किस क्वेश्चन नंबर की 30 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए इस जो कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें तीन चार क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स उसको हर एक साल में से वो जो है टॉप में ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है, वही सब उठाने का क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट का यूज आता है, सबसे ज्यादा टर्म का यूज आता है ये, ठीक है, तो इस कारण, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना की बात करते हैं, 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, ठीक है, तो 30 की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 30, कितना, चार क्वेश्चन बताया, 18, 24, 26 एंड 30। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ये क्वेश्चन तो आपको 100% पता होना चाहिए और आप लोग इस क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधे स्टेप बाय स्टेप खेलते चल जाना है, आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो 30 में हमारा हम लोग का क्या है, 5x प्लस क्या है, बी है, और क्या 21 दिया है। 5 के लिए क्या दिया है हमारा यहाँ पे, x = 2 दिया है, लेस देन इक्वल टू क्या दिया है हमारा, 2 दिया हुआ है, 2, ठीक है। और x + b में क्या दिया हुआ है कि x इज क्या ग्रेटर देन, x जो है वो क्या 2 से बड़ा है, ठीक है, और लेस देन क्या है 10 से छोटा है, कितना 10 से क्या है छोटा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, x से क्या है बड़ा है 10 से, ठीक है, या इक्वल टू है 10 का। ये हमारा दिया है क्या, फंक्शन दिया है, क्या दिया है, फंक्शन दिया है, ठीक है, और बोला है कि ये क्या है कंटिन्यूअस है, बोल दिया है क्या हमारा, गिवन क्या हमारा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और बोला है क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड ए एंड बी, क्या चीज, फाइंड ए एंड बी। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन में हम लोग पता किए थे के कैसे फाइंड करते हैं, उसकी चार नीचे क्वेश्चन है उसमें भी के फाइंड करेंगे, ठीक है, तीनों को कंटिन्यूअस है तो तीनों को यूज करके के का आराम से फाइंड करेंगे, यहाँ पर ए और बी का फाइंड करने के लिए कहा, ठीक है, और बोला क्या ये कंटिन्यूअस है। अब हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हमारा क्या क्या दिया हुआ है भैया, तो पॉइंट पहले हमको सेलेक्ट करना है, पॉइंट हमारा क्या है 2 और क्या 10 है, तो 2 और 10 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या दिया है कि ये जो है हमारा वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग कंटिन्यूअस के लिए क्या करते थे, पहला चीज केस वन के लिए क्या एलएचएल पॉइंट कितना है 2 दिया हुआ है, तो क्या करते थे, 4 पॉइंट की हम लोगों ने बात की थी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, 4 पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर तो 2 ही पॉइंट है, आराम से एक पॉइंट को लो अलग अलग टुकड़ा में बांटते चले जाओ और तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। तो क्या 2 पॉइंट दिया है, तो पहला पॉइंट की बात करते हैं क्या 2, तो जहां पर क्या x = 2, पॉइंट क्या हमारा 2 है। केस वन की बात करते हैं तो क्या लिखे 4 क्या चीज एलएचएल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, तो एलएचएल के लिए हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, लिमिट x → 1, कितना पॉइंट है 2, तो पॉइंट यहाँ पे 2 माइनस कितना fx। अब देखिए ये क्या लिखेंगे, लिमिट x → कितना 2 माइनस कितना h। अब क्या सीधे सीधी फंक्शन को सेलेक्ट करो, क्या है एलएचएल मतलब लेस देन मतलब 2 से यहां पर छोटा हो, तो x क्या है 2 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 2 से, इसके लिए कितना ये 5 है, ठीक है, मतलब 2 से मीन्स एलएचएल का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। 5 हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, अगर यह कॉन्स्टेंट है तो अभी हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे x है नहीं, तो सीधा सीधे क्या आएगा इसका आंसर 5, तो एलएचएल हमारा क्या आ गया भैया 5, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वल टू का, क्या चीज का, इक्वल टू का, ठीक है, केस टू हम लोग क्या लिखेंगे इक्वल टू के लिए, जहां पर खड़ा है लिमिट x → 2, और ये कितना fx, अब ये कितना लिखे लिमिट कितना x → 2, फंक्शन क्या है कितना इक्वल टू के लिए, तो इक्वल टू देखो किसमें लगा हुआ है, इसमें किसमें, जब 2 हो तो 2 हो ये लगा हुआ है, तो इसके सामने वाला फंक्शन कितना 5, तो ये भी कितना आ गया हमारा 5। समझ में आया कि एलएचएल भी कितना है भैया 5, इक्वल टू भी कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करने वाले, आरएचएल फाइंड करने वाले, क्या फाइंड करने वाले, आरएचएल फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, तो आरएचएल, अब देखिए 4 क्या लिखे आरएचएल के लिए कब, जब x = क्या था 2 था, तो हम लोग क्या जनरल टर्म लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट कितना 2 प्लस और ये कितना fx = कितना लिखे लिमिट कितना x → 2 प्लस कितना h और fx, फंक्शन देखिए 2 से क्या बड़ा होना चाहिए, तो ये कितना था हमारा 2 - h था, इधर कितना 2 + h था, और ये क्या कितना पॉइंट हमारा था 2 पॉइंट था, ठीक है। अब हमारा बोला है इधर क्या कि लेस देन एलएचएल कितना आया था वैल्यू 5 आया था, ये निकालना है 2 + h, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन होगा कितना 2 से, तो 2 से क्या ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा x + b, कौन सा फंक्शन होगा x + b, तो फंक्शन चूज के
कौन सा x प्लस बी होगा। अब क्या करेंगे, x की जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, तो x की जगह पे अगर हम लोगों ने वैल्यू पुट किया और क्या h टेंस टू जीरो, तो x की जगह पे वैल्यू 2 प्लस h प्लस कितना b, ये ना करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट कितना h टेंस टू व्हाट जीरो, ये कितना 2a प्लस कितना h प्लस कितना b, यही ना आएगा जब हम इसको क्या किए तोड़े, तो ये आ गया 2a प्लस कितना h प्लस कितना b, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2a प्लस b क्या है, कांस्टेंट, क्या कुछ कर सकते हैं, हाँ एक ही काम कर सकते हैं, क्या एच का वैल्यू धर सकते हैं, एच का वैल्यू हमारा कितना है जीरो है, तो एच का वैल्यू हम लोग जीरो धरना है, तो बचेगा कितना 2a प्लस b, ठीक है, मतलब क्या बचा 2a प्लस b, तो RHL हमारा क्या है 2a प्लस b, RHL कितना है 2a प्लस b, क्या बोला था फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस, मतलब कि क्या RHL भी इक्वल होगा, LHL भी इक्वल होगा और जहां पर खड़ा है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो RHL हमारा कितना आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस b, और 5 आया था क्या LHL, और जहां पे खड़ा थे वो भी क्या आया था 5 आया था, ठीक है। अब हमारा क्या दिया है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो तीनों का वैल्यू क्या आएगा इक्वल आएगा, मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि तू क्या लिमिट x टेंस टू व्हाट 2 माइनस fx इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट कितना x टेंस टू व्हाट 2 प्लस fx इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट व्हाट x टेंस टू 2 fx, कंटिन्यूअस हमारा दिया होता तो ये तीनों क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो अब वैल्यू धरते हैं, तो ये कितना LHL, LHL के लिए कितना आया था 5 आया था, RHL के लिए कितना आया था वैल्यू हमारा 2a प्लस कितना b आया था, और इक्वल टू के लिए हमारा कितना आया था 5 आया था, ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या रिलेशन निकालना है a और b का, अगर ये दोनों ले लिए तो कट जाएगा, ठीक है, तो अगर हमको क्या लेना होगा ये दोनों लेना होगा, ठीक है। तो पहला क्या आ गया कि 2a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट 5, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। कैसे सॉल्व किया पता चला कि कितना पॉइंट दिया था 2 पॉइंट, तो क्या करेंगे एक पॉइंट को चूज करेंगे, एक पॉइंट चूज करने के बाद क्या उसका हम लोगों ने क्या LHL निकाला कितना है 5 आया, हम लोग क्या इक्वल टू निकाला, इक्वल टू भी हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब हम लोग क्या RHL निकालेंगे, RHL के लिए ये फंक्शन हम लोगों ने देखा कितना आ गया 2a प्लस b आ गया, तो 2a प्लस b आया क्या दिया कंटिन्यूस दिया, कंटिन्यूस मतलब क्या तीनों क्या होगा इक्वल होगा, तो तीनों इक्वल होगा, ठीक है, क्या बोला कि तीनों क्या भैया इक्वल होगा, तो इक्वल होने के बाद हम लोग का रिलेशन निकला कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या कब जब पॉइंट क्या चीज 2 ऊपर हो, तो हम लोग को ऊपर लिख देना है कि पहला इक्वेशन आया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ठीक। अब हम लोग कौन सा पॉइंट की बात करेंगे, 2 पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट हमारा दिया हो क्या 10 दिया हो, तो 10 पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो 10 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, तो लिखेंगे क्या 4x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या लिखेंगे केस क्या चीज 1, केस क्या 1, क्या लिखेंगे 4 क्या चीज LHL के लिए बात करते थे, तो उसका क्या चीज हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, पॉइंट कितना है 10 है, ये कितना माइनस, ये कितना fx, ठीक है, जनरल टर्म इसका, अब ये कितना x टेंस टू कितना 10 माइनस है, तो 10 माइनस कितना h, और ये कितना fx है, तो fx ये क्या LHL है, LHL मतलब क्या कम, मतलब 10 से क्या वैल्यू कम आना चाहिए, तो मतलब क्या 10 से लेस देन, तो इसको क्या पढ़ेंगे 2 से वैल्यू बड़ा होना चाहिए x और 10 से कम आना चाहिए, मींस क्या चीज बात कर रहे हैं 10 और 10 से क्या चीज कम आना चाहिए, मतलब 10 माइनस h, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा ये ना, तो इसके लिए fx की जगह पे क्या पुट करेंगे x प्लस b पुट करेंगे, ठीक है, समझ में आया कि क्या पुट करेंगे x प्लस b पुट करेंगे, ठीक। अब क्या करते थे x का वैल्यू सिर्फ पुट करते थे, तो x का वैल्यू हम लोग को पुट करना है कितना h टेंस टू 0, तो x का वैल्यू पुट करिए कर दीजिए, तो कितना 10 माइनस कितना h प्लस कितना b, तो इसे अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये कितना आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा कितना आ गया 10a माइनस कितना ah प्लस कितना b, तो अब क्या करेंगे ये दोनों क्या है 10a प्लस b क्या है कॉन्स्टेंट, क्या कुछ कर सकते हैं, हाँ एच का वैल्यू सिर्फ 0 धर सकते हैं, तो 0 धर दो, तो हमारा कितना आ गया 10a प्लस कितना b, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना आ गया हमारा 10a प्लस b, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम लोग को साइड में लिख लेना है कितना आ गया LHL 10a प्लस b आ गया, कितना LHL कैसे है पता चल गया होगा। अब हम लोग RHL के लिए बात करते हैं, क्या चीज RHL के लिए, तो पहले हम लोग देखते हुए समझ जाना है कि 2 है, 2 का क्या चीज LHL दिया है इसके लिए ये, इक्वल टू दिया है तो इसके लिए ये फंक्शन, ग्रेटर देन दिया है इसके लिए RHL के लिए ये फंक्शन,
टेन की बात करें तो यहाँ पे क्या लेस देन दिया हुआ है, तो किसके लिए, एलएचएल के लिए, टेन के लिए कौन सा फंक्शन ये, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन दिया हुआ है टेन के लिए, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन ये, इक्वल टू दिया तो इसके लिए कौन सा फंक्शन ये, किसके लिए, टेन के लिए, ठीक है, टेन के लिए। अब देखते हैं आगे बात करते हैं, फोर क्या चीज, सेकेंड केस टू, फोर क्या चीज, एक्स इज इक्वल टू टेन केस टू, केस टू फोर क्या चीज लेके आर एच एल, क्या चीज हम लोग करते थे, लिमिट x टेंस टू व्हाट, 10 प्लस ये क्या एफ एक्स, अगला स्टेप चले तो लिमिट x टेंस टू कितना 10, और ये कितना है प्लस है, तो प्लस h लिखते थे। अब ये फंक्शन क्या है, आर एच एल है, मतलब क्या ग्रेटर देन, मतलब क्या 10 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू, क्या x इज ग्रेटर देन कितना 10, तो कौन सा फंक्शन होगा ये, कौन सा, कितना है फंक्शन दिया है 21, कितना दिया है 21, क्या x है नहीं है, तो x का वैल्यू पुट करेंगे नहीं पुट करेंगे, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो जैसा है वैसा ही लिख देना है, तो 21 है तो इसका क्या आ गया 21, ठीक है। तो आर एच एल कितना आ गया 21, एल एच एल कितना हमारा आया था 10 ए प्लस बी। अब हम लोग केस थ्री की बात करते हैं, केस थ्री की बात, जहां पर हम लोग खड़ा है, ठीक है, तो कहां पर खड़ा है, 10 के पास खड़ा है, तो x टेंस टू कितना 10, ये कितना एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, लिमिट कितना x टेंस टू कितना 10, और एफ एक्स जहां पर खड़ा है, खड़ा है मतलब क्या इक्वल टू किस में है, इसमें है, क्या कब, जब 10 हो, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन 21, मींस क्या आ गया 21, समझ में आया कि हम लोग का क्या एलएचएल कितना आया था 10 ए प्लस बी, ठीक है, आरएचएल कितना हम लोग का है 21, और इक्वल टू भी हम लोग का कितना है 21, ठीक है। अब हम लोग का क्या दिया है फंक्शन, क्या कंटिन्यूअस है, क्या दिया है हम लोग का फंक्शन, क्या कंटिन्यूअस है, हम लोग का फंक्शन दे दिया, क्या गिवेन क्या था, हम लोग का फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या था कंटिन्यूअस, देन क्या करेंगे, जब कंटिन्यूअस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू व्हाट 10 एफ एक्स, ठीक है। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए।